आज এখানে এক স্কিল ডেভেলপমেন্টের ট্রেনিং মূলত বলতে পারেন ট্রেনিং চলছে। এই স্কিল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং এ উপস্থিত হয়েছেন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব উত্তরাখণ্ড থেকে মিস্টার কিশোর রাওয়াত স্টার অ্যাম্বাসেডর। আমরা সরাসরি ওনার সাথেই কথা বলে নেব এখন। আজকের এই অনুষ্ঠান কর্মসূচির ব্যাপারে ওনার সাথে কথা বলে নেব। স্যার আজ কা ইয়ে প্রোগ্রাম কে বারে মে থোড়া বতাইয়ে। ये प्रोग्राम सर हमारा एक ड्यूसॉफ्ट एकेडमी है जो पिछले 21 सालों से लोगों के अंदर एक स्किल डेवलप करने का काम कर रही है। और साथ में आप जानते हैं कि आज डिजिटल रेवोल्यूशन का समय है और डिजिटल रेवोल्यूशन में हर जो शिक्षा लेने का जो तरीका है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। लेकिन जो हमारी एकेडमी है वो पिछले 21 सालों से ऑलरेडी एडवांस चल रही है कि लोगों को ई लर्निंग और स्किल डेवलप करने का बहुत बढ़िया मौका दे रही है। और आज हमारा ये प्रोग्राम है जिसमें हम लोग मतलब आत्मनिर्भर करना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स को, ताकि वो अपनी लाइफ में कहीं नौकरी ढूंढने के लिए ना जाएं, बल्कि अपने अंदर अपनी स्किल को इतना डेवलप करें, अपने टैलेंट को इतना डेवलप करें कि वो खुद भी अपने पांव पे खड़े हो सकें और हज़ारों नहीं लाखों लोगों को रोज़गार देने का एक उनके अंदर क्षमता हो, कैपेबिलिटी हो। यस, तो किस किस चीज़ के ऊपर स्किल्स डेवलपमेंट का आज यहाँ पे ट्रेनिंग होगा? स्किल डेवलपमेंट का सर देखिए, आज आप जानते हैं जैसे हमें कोई भी जॉब लेनी है या खुद का कोई बिजनेस करना है या किसी प्रोफेशनल सेक्टर में जाना है तो वहाँ पर हमारी स्किल होनी चाहिए। जैसे हमारी स्टेज परफॉर्मेंस होती है, ड्रेसिंग सेंस होता है, या फिर हमारी प्रेजेंटेशन स्किल्स होती है, या कम्युनिकेशन स्किल्स होता है, या फिर नेगोशिएशन स्किल्स होता है, या ग्रूमिंग स्किल्स होती है। मतलब हम ओवरऑल जितनी भी स्किल्स एक स्टूडेंट्स के अंदर होनी चाहिए ताकि वो अपने फील्ड में टॉप लेवल तक जाएं, तो हमारी कोशिश रहती है कि हम उनको उस लायक बनाएं ताकि वो किसी भी फील्ड में जाके एक विजेता के रूप में उभर जाए। तो यस, फर्स्ट टाइम सर यहाँ पे ये सेमिनार कर रही है? नहीं, ये फर्स्ट टाइम नहीं कर रही। मैं अगर बात करूँ तो मैं लगभग 3 साल से आपके इस बंगाल के अंदर काफ़ी जगहों में हम लोग लोगों को इस तरीके का मौका देते हैं कि लोग आएँ और इस काम के बारे में जानकारी रखिए और ख़ुद को इतना ज़्यादा हुनरमंद बनाएं कि उनको कहीं भी अपने स्टेट से, अपने डिस्ट्रिक्ट से, अपने एरिया से बाहर ना भटकना पड़े। वो अपने ही लोकल एरिया में इतना अपने अंदर आत्मनिर्भर बनाएं अपने आप को कि खुद एक रोज़गार भी इसके साथ साथ खुद का खड़ा कर सकता, ताकि वो लोगों को आगे बढ़ाने में अगर हेल्प करता है एक जेनेसिस इंटरनेशनल टीम के माध्यम से तो उसको यहाँ पर एक अर्निंग सोर्सेस भी होता है और वो एक अच्छे इंसेंटिव के रूप में अपने आप को मतलब अपना एक रोजगार बना सकता है। यस, yes. मेरा नाम किशोर रावत और उत्तराखंड ऋषिकेश से हूँ। यस, थैंक यू। আমরা কথা বললাম এখানে উপস্থিত যে আজ এখানে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব রয়েছেন ওনার সাথে।